हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको आपके जो है बिटकॉइन के पैसे, आपके जैज कैश और इजी पैसा में लेने का तरीका बताऊंगा। मेरे पास फोसलट पे में पड़े हैं, आपके पास किसी भी अकाउंट में हो सकते हैं, जैसे कि ट्रस्ट वैलेट हो गया, कॉइन बेस हो गया, ब्लॉक चैन हो गया, बाइनांस हो गया, जहाँ भी पड़े हैं। लेकिन आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से उसका विड्रॉ अपने जैज कैश और इजी पैसा में लेना है। लेकिन इस वीडियो को आपने पूरा देखते रहना बिना स्किप किए, ताकि आप एक एक पार्ट जो है आपकी समझ में आ सके और आप बाद में खुद इसका विड्रॉ कर सको। तो चलिए जी, इस वीडियो को फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करें। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल इस जो है यहाँ पर एक फोसलट पे का, अगर आपको नहीं पता किस तरह से इसके अंदर जो है अकाउंट बनाना है, तो इसका अकाउंट बनाने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर आप अकाउंट बना सकते हो। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर सीखने वाले कि हमने विड्रॉ कैसे करना है बिटकॉइन का जैज कैश में। तो मेरे पास 0.40 यानी कि 7 BTC पड़े हुए हैं, यानी कि 7453 BTC के स्टोशी पड़े हुए हैं। तो ये हमने जैज कैश में कैसे लेने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना चाहिए, अपने किसी भी वैलेट में, आप जो भी वैलेट में हो, आपने किस तरह से विड्रॉ लेना है, आपने ऊपर 3 लाइन्स पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसमें आपकी फीस भी कम लगेगी और जो है आप इजीली जैज कैश में 5 मिनट में जो है विड्रॉ कर सकोगे। तो आपने क्या करना है, ऊपर 3 लाइन्स पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है जी स्वैप कॉइंस का, ठीक है जी। तो यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे है स्वैप कॉइंस का, तो यहाँ पर मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आपने क्या करना जी, यहाँ पर ऊपर ट्रेड पर क्लिक कर देना, आपको एक ट्रेड का ऑप्शन दिखाई देता है, ठीक है जी। ट्रेड वाले एरो पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको ऊपर जो है 2-3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन आपने स्वैप कॉइन पर क्लिक कर देना, ठीक है जी। आप जैसे स्वैप कॉइन पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके पास जितने भी बिटकॉइन पड़े हैं यहाँ पर सारे, यहाँ पर पहले आपने अपना कॉइन सेलेक्ट कर लेना, कौन सा कॉइन है, यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना आपने। और यहाँ पर आपने जो अपना बिटकॉइन सेलेक्ट कर लेना, ठीक है जी। यहाँ पर सबसे पहले बिटकॉइन में अगर आपके पैसे पड़े तो आपने बिटकॉइन को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूं जी बिटकॉइन का, तो बिटकॉइन मेरा ऑलरेडी सेलेक्ट है, ठीक होगा जी बिटकॉइन। तो मैं यहाँ पर अभी इसको BTC को सेलेक्ट कर ले, तो देखिए जी यहाँ पर बिटकॉइन सेलेक्ट हो चुका है। नीचे करने के बाद आपने मैक्स पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मैक्स का दिखाई देता है, तो आपने मैक्स पर क्लिक कर देना है। अब मेरे पास 7453 स्टोशी है, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नीचे आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने लाइट कॉइन को सेलेक्ट कर देना है, LTC को। तो यहाँ पर ये देखिए जी, ये LTC आ चुका है, यहाँ पर ये देखिए जी LTC है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते अब यहाँ पर इसको भी देखिए जी, आपके पास कितना जो है, मेरे पास जितने भी BTC बन रहे हैं वो 0.01 लाइट कॉइन बन रहा है, ठीक है जी, 0.01 लाइट कॉइन। तो अब आपने क्या करना है, नीचे मेक एक्सचेंज पर क्लिक कर देना है। आपके पास जितना भी बन रहा है वो उतना ही होगा, ठीक है जी। यहाँ पर मेक एक्सचेंज पर क्लिक करते ही ऊपर आके आप लोग देखोगे जी, आपके योर ट्रेड हैज बीन सक्सेसफुल, प्लीज चेक योर अकाउंट, उसके लिए लिखा हुआ जी बैलेंस ना हो। तो ऊपर 3 लाइन्स पे आपने क्लिक कर लेना, डैशबोर्ड में आना और यूजर डैशबोर्ड में आ जाना है। यूजर डैशबोर्ड में आ चुका हूँ, यहाँ पर आप मेरे पास BTC देख सकते हो, 7454 पता नहीं कितने BTC पड़े हुए थे मेरे पास, ठीक है जी, यानी कि स्टोशी पड़े हुए थे। और अब वो सारे जो है नीचे लाइट कॉइन में कन्वर्ट हो चुके हैं। पहले भी मेरे पास कुछ लाइट कॉइन पड़ा हुआ था, और आप देख सकते हो जी आप मेरे पास 0.0 जो है 17 लाइट कॉइन है। तो मैं अब इसका विड्रॉ करने वाला, इसमें होगा कि इसमें फीस कम लगेगी। अब बिटकॉइन में अगर आप करते हो तो बहुत ज़्यादा फीस लग जाती है, अब लाइट कॉइन में जो है बहुत ज़्यादा कम फीस लगने वाली है। तो यहाँ पर अब यहाँ से हमने जैज कैश में कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस, अब यहाँ से हम लोग कैसे अपना विड्रॉ करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एक अकाउंट की जरूरत होगी जिसका नाम है कैश माल, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस मेरी एक डिटेल से वीडियो बन चुकी है। इसका अकाउंट कैसे बनाते हैं, इसको वेरीफाई कैसे करते हैं, उसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसको आपने लाजमी से ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद अपने ऊपर आपने 3 लाइन्स पर क्लिक कर लेना है, यहाँ पर आपने मैनेज फंड्स पर क्लिक कर लेना है, ठीक है जी। मैनेज फंड्स पर क्लिक करते ही तो यहाँ पर आपके उसके बाद नीचे आना, उसके बाद आपने डिपॉजिट पर क्लिक कर देना है। डिपॉजिट पर क्लिक करने के बाद इसका अकाउंट आपने लाजमी से बना लेना है। डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हो, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आने के बाद आपने क्या करना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे करने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर बिटकॉइन देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें फीस बहुत ज़्यादा है। तो नीचे आने के बाद हम यहाँ क्या करना चाहिए, लाइट कॉइन को करने वाले हैं, ठीक है जी। तो आपने लाइट कॉइन पर क्लिक कर देना है। लाइट कॉइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग इस तरह के इंटरफेस पर आ जाओगे। अब वो लोग कह रहे हैं जी यहाँ पर इस एड्रेस पर हमें लाइट कॉइन सेंड करें, और आपको जो है ऑटोमेटिकली आपका जो है बैलेंस आपके यूजर डैशबोर्ड में देखने को मिल जाएगा। अगर आप अभी भी इस तरह नहीं समझे तो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर ये एड्रेस आपने सिंपल से यहाँ से कॉपी कर लेना, मैं आपको दिखाता हूँ इसका, इसके ऊपर आपने क्लिक करके रख लेना, इस तरह से मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके आपने जो है यहाँ पर सॉरी नहीं हो रहा, तो ऊपर देखने के बाद सॉरी ऊपर वाला हमें कॉपी करना है, ये वाला नहीं कॉपी करना, ये भी सेम है, लेकिन हमें कॉपी ऊपर से कर लेना, ये आपको देखने को मिल रहा है। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करके इस पूरे को आपने कॉपी कर लेना, इस तरह से कॉपी हो चुका है, ठीक हो गया। यहाँ पर मैं आपको साइड पे भी करके दिखा देता हूँ, इस पूरे एड्रेस को आपने कॉपी कर लेना, जो भी आपके पास होगा, ठीक हो गया जी। यहाँ पर इस तरह से कॉपी कर लेना आपने। दोस्तों कॉपी करने के बाद नीचे लिखा हुआ है जी, आफ्टर सेंड पेमेंट चेक योर कैश वाल डैशबोर्ड पेज, यानी कि जैसे ही आप जो है पेमेंट सेंड करने के बाद आपने चेक कर लेना अपना डैशबोर्ड, आपको आपका बैलेंस देखने को मिल जाएगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जितनी देर में फोसलट पे आपका विड्रॉ यहाँ करेगा तभी यहाँ पर बैलेंस आपका अपडेट होगा, आपने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कभी कभी लेट हो जाता है, ठीक है जी, विड्रॉ। तो ऊपर 3 लाइन्स पे दोबारा से आपने फोसलट पे में आ जाना है, ऊपर 3 लाइन्स पे क्लिक कर लेना है, ठीक है जी। सॉरी 3 लाइन्स पे क्लिक नहीं करना, यहाँ पर
आपने विड्रा पे क्लिक कर लेना। ये आपको विड्रा का ऑप्शन नजर आ रहा है तो आपने विड्रा पे क्लिक कर लेना। विड्रा पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आते जाना, उसके बाद यहाँ पर आपने अपना जो है लाइट कॉइन सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर मैंने लाइट कॉइन सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद वो कह रहे जी एड्रेस, तो नीचे आपको एक लिंक नाउ का ऑप्शन मिल रहा है लिंक का, ठीक है। तो आपने लिंक पर क्लिक कर देना, तो लिंक पर क्लिक करते ही थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपने वो एड्रेस पेस्ट कर देना। यहाँ पर मैं वो एड्रेस पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद लेबल नेम लिखना है, आपने नेम लेबल लिखना है, यहाँ पर मैं LTC लिख देता हूँ, ठीक है जी। आपने लाइट कॉइन LTC जो भी लिखना लिख दें। उसके बाद नीचे करने के बाद यहाँ पर कॉइन कौन सा वो भी पूछ रहे हैं, तो आपने यहाँ पर लाइट कॉइन सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद आपने नीचे लिंक पर क्लिक कर देना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे करोगे तो यहाँ पर आपका एड्रेस लिंक्ड हो चुका है, ठीक है जी। ये देखिए जी, यहाँ पर मैंने अभी भी लाइट कॉइन का ये एड्रेस को लिंक किया। लिंक करने के बाद यहाँ पर ऊपर अब आपने दोबारा से विड्रा पे क्लिक कर देना है। तो विड्रा पे क्लिक करते ही आपका जो है यहाँ पर दोबारा से विड्रा सेक्शन में आ जाएगा। ये विड्रा सेक्शन में आने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ से दोबारा से आप जो है लाइट कॉइन को सिलेक्ट कर लें। लाइट कॉइन को सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए जी एड्रेस जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पर अमाउंट आप जितनी भी सेंड करना चाहते हो, यानी जितने भी जैस कैश मिलना चाहते हो वो आल लिख दो या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हो आल सेलेक्ट कर दो, नहीं तो आल करने के बाद नीचे यहाँ पर वो कह रहे हैं जी आपकी 0.405 लाइट कॉइन की फी लगेगी और आपको इतना रिसीव होगा और ये तकरीबन 24 घंटों के अंदर रिसीव होगा। अगर आप अर्जेंट लेना चाहते हो बहुत जल्दी में, यानी कि 5 मिनट के अंदर लेना चाहते हो, तो आप यहाँ की आपकी थोड़ी सी फीस ज़्यादा लगेगी। फीस कैसे ज़्यादा लगेगी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप लोग जो है ये वाला करोगे, यानी कि अब यहाँ पर इसमें जो है जो फीस लग रही है वो 5000 LCC स्टोशी है, ये तो बहुत कम है पाकिस्तान, ठीक है जी। यानी कि 7 से 6 रुपये लग रहे हैं आई थिंक, यहाँ पर इससे भी कम है। तो आपने यहाँ पर अगर अर्जेंट विड्रा लेना है तो यहाँ पर आपने दोबारा नीचे 5 मिनट वाले पे आना है और यहाँ पर लाइट कॉइन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर अमाउंट आ लिखनी है, इसके अंदर जो फी है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, वहाँ यहाँ पर 25000 लाइट कॉइन स्टोशी है। इस तरह से इसके अंदर आप जितनी भी जल्दी विड्रा लेना चाहते हो वो ले सकते हो। तो गाइस यहाँ पर मैं जो है अर्जेंट लेने वाला हूँ, ठीक है जी। यानी कि आपके लिए मैं अर्जेंट ले रहा हूँ सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, ताकि यार थोड़ा सा वीडियो में थोड़ा अच्छा हो सके। तो 25000 लाइट कॉइन के स्टोशी में जस्ट फी दे रहा हूँ उनको सिर्फ 5 मिनट, क्या कि मुझे सिर्फ 5 मिनट में विड्रा रिसीव हो जाएगा। तो आपने प्लेस विड्रॉल पर क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही प्लेस विड्रॉल पर क्लिक करोगे आपका विड्रा पेंडिंग में लग जाएगा। ऊपर आने के बाद आपने दोबारा विड्रा सेक्शन में आ जाना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है और यहाँ पर आपको आपका जो है ट्रांजेक्शन देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर विड्रॉल हिस्ट्री है ये, तो मैं देखता हूँ जी मेरा बैलेंस कब तक हमारे कैश वाले में सेंड कर दिया जाता है, वहाँ से फिर हम इसको जैस कैश में करने वाले हैं। अब यहाँ पर मैं आपको साइड पर करके भी दिखा भी देता हूँ, मेरा विड्रा प्रोसेसिंग में लग चुका है। जैसे ही मुझे रिसीव होता है कैश माल में तो मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। यहाँ पर विड्रा कंप्लीट हो चुका है, तकरीबन 2 से 3 मिनट में यहाँ पर कंप्लीट लिखा आ गया है। और अब हम जाते हैं जी अपने कैश माल के अकाउंट में और देखते हैं जी हमें हमारा विड्रा रिसीव हुआ या नहीं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, यहाँ पर कैश माल में आ चुका हूँ, ठीक हो जी। आने के बाद यहाँ पर अब डैशबोर्ड का ऑप्शन दिखा हुआ है, तो आपने डैशबोर्ड पर क्लिक कर देना और देख लेना जी आपकी अमाउंट ऐड हुई है या नहीं। तो पहले मेरे पास कोई भी अमाउंट नहीं थी, अभी भी देख सकते जी कोई भी अमाउंट 0.50 पैसा मेरे पास अमाउंट है। तो आपने ऊपर अपडेट बैलेंस का आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है, तो आपने अपडेट बैलेंस पे क्लिक कर देना है। अपडेट बैलेंस पे क्लिक करते ही अभी भी अगर आपके पास नहीं होता तो आपने 2-3 बार जो है अपडेट बैलेंस पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर 2-3 बार जो है अपडेट बैलेंस पे क्लिक कर देता हूँ और देख लेता हूँ जी मेरा बैलेंस ऐड हुआ नहीं। ये इशू आता है कभी कभी, ठीक है जी, कभी कभी थोड़ी सी देर भी लग जाती है बैलेंस ऐड होने में। तो आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना, मेरे साथ पहले भी काफ़ी दफ़ा हो चुका है। यहाँ पर पहले काफ़ी लोग जो है घबरा जाते हैं, वो समझते हैं यार हमारे पैसे लेके खा गए हैं, ठीक हो गया जी। यहाँ पर आप थोड़ा सा वेट कर लेते हो और मैं अपडेट बैलेंस पे क्लिक कर दूँ। नीचे आपको हिस्ट्री भी दिखाऊंगा कि मेरे लाइट कॉइन के पैसे ही ऐड किए गए हैं यहाँ। तो मैं दोबारा यहाँ पर थ्रीलेंस पर क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पर मैनेज फंड पर जाता हूँ, डिपॉजिट पर जाता हूँ, ठीक है जी। डिपॉजिट पर जाने के बाद अब दोबारा से मैं लाइट कॉइन पर क्लिक करके देख लेता हूँ जी हमें कोई रिसीव हुआ है नहीं, ठीक है। मैं दोबारा इस पर जाता हूँ, सॉरी ट्रांसफर पर क्लिक हो गया था। तो डिपॉजिट पर क्लिक करने के बाद हम दोबारा से लाइट कॉइन पर सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। लाइट कॉइन सेलेक्ट करने के बाद दोबारा से हम यहाँ पर डैशबोर्ड पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर आने के बाद उसके बाद यहाँ पर नीचे लाइट कॉइन USD सब कुछ लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो मैं दोबारा डैशबोर्ड में बैठ, तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ जी कब तक मेरा बैलेंस ऐड होता है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है, ठीक है जी। आपने घबराना नहीं है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप लोग लाइव देख सकते हो मेरा लाइट कॉइन का बैलेंस मेरे अकाउंट में ऐड कर दिया गया है। दोस्तों ये बैलेंस लाइट कॉइन का ही है, आप लोगों ने टेंशन नहीं है, मैं आपको प्रूफ भी दे देता हूँ, ठीक होगा जी। यहाँ पर मेरा क्या हुआ जी, आधा घंटा कम से कम मुझे वेट करना पड़ गया। उसका रीज़न ये था कि वो पाकिस्तानी पहले देख रहे थे आप, यानी कि मेरा ही डिपॉजिट था या फिर कितने प्राइस बनती थी, तो उन्होंने पूरी जाँच पड़ताल के बाद मेरा अवेलेबल बैलेंस मेरे अकाउंट में ऐड कर दिया गया। प्रूफ दे देता हूँ मैं आपको नीचे करने के बाद। यहाँ पर आप लोगों को मैं साइड पर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो जी 444 स्पीकर मेरे अकाउंट में ऐड हुए हैं। साइड पर करने के बाद आप यहाँ पर लाइव प्रूफ देख सकते हो जी, फंड डिपॉजिट लाइट कॉइन, यानी कि लाइट कॉइन के जरिए मैंने यहाँ पर अपना डिपॉजिट किया। और ये जो एड्रेस है जो इन्होंने मुझे दिया था, और इस एड्रेस यानी कि फोसट पे के एड्रेस से मैंने इनको सेंड किया था, ये लाइव प्रूफ यहाँ पर ट्रांजेक्शन आईडी है। ये थोड़ा सा लेट हो गया मेरी वीडियो, क्योंकि यार ज़रा टाइम नहीं मिल पाया था, तो इसलिए अब मैं इसकी वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जी मेरे पास 444 रुपये हो चुके हैं। अब इनको हम जैस कैश और ईजी पैसा में कैसे करेंगे? अब मेरे तो 444 है, आपके ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर आपने थ्री लाइन्स पर क्लिक कर लेना, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद आप लोगों ने मैनेज फंड्स पर क्लिक कर लेना है। मैनेज फंड्स पर क्लिक करते ही आपको थोड़ा सा नीचे करना है और आपने मैनेज फंड्स पर नहीं, आपने यहाँ पर सबसे पहले नीचे करने के बाद यहाँ पर मैनेज फंड्स पर क्लिक करना है। थोड़ा सा नीचे करने के बाद मैनेज फंड पे पहले आपने क्लिक कर देना और फिर थोड़ा सा नीचे करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिलेगा चेंज विड्रॉ मेथड।
देन आपने चेंज विड्रा मेथड पे क्लिक कर देना है। सो जैसे ही आप चेंज विड्रा मेथड पर क्लिक कर दोगे, क्लिक करते ही यहाँ पर आप लोगों को एक जैज कैश का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ पर आपने जैज कैश पर सिलेक्ट कर लेना है। मैं आपको दिखाया तो थोड़ा सा नीचे करने के बाद ये देखिए जी जैज कैश का ऑप्शन आपको देखने को मिल गया। अब आप लोगों ने जैज कैश पर सिलेक्ट कर लेना है। जैज कैश पर सिलेक्ट करके करते ही यहाँ पर आप लोगों के सामने एक इन्फॉर्मेशन पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों से वो पूछेगा जी यहाँ पर क्या सीन है। यहाँ पर सबसे पहले आपने जैज कैश का अकाउंट नंबर लिखना है। ठीक होगा जी, जो भी जैज कैश का अकाउंट नंबर है। उसके बाद आपने अकाउंट होल्डर नेम लिखना है। नेम मीन्स के जिस नंबर पर, यानी कि जो नंबर है उसके किस नेम पर वो अकाउंट बना हुआ है वो लिखना है। उसके बाद आपकी जो भी ट्रांजेक्शन पिन है वो लिखने के बाद आपने अपडेट मैथड पर क्लिक कर देना है। अपडेट मैथड पर क्लिक करते ही आपका मैथड अपडेट हो जाएगा, यानी कि जैज कैश ऐड हो जाएगा। उसके बाद नीचे करने के बाद यहाँ पर आपको आपका अकाउंट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपने दोबारा थ्री लाइन्स पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोबारा मैनेज फंड्स पर क्लिक कर लेना है। और अब की बार आप लोगों ने विड्रॉ पर क्लिक कर लेना है। पहले आपने जो है चेंज विड्रॉ मेथड पर किया गया, अब आपने विड्रॉ पर क्लिक कर लेना है। तो विड्रॉ पर क्लिक करते ही अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपका अकाउंट का जैज कैश का नेम होगा और आके जो है यानी कि नंबर होगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जी आपके सामने ये पी के आर होगा। नीचे आपको एक अर्जेंट ऑप्शन मिलता है और एक नॉर्मल फी का ऑप्शन मिलता है। अब इसमें इन दोनों का मतलब मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। जो अर्जेंट है उसकी 1% फीस लगेगी। वो होगा कि आपको 30 मिनट के अंदर अंदर विड्रॉ मिल जाएगा। अगर आप रिलैक्स होकर लेना चाहते हो, ईजिली लेना चाहते हो, यानी कि 24 घंटों के अंदर अंदर लेना चाहते हो, तो आपने नॉर्मल नो एक्स्ट्रा फी पर क्लिक कर देना। इसमें ये होगा कि आपकी 0.6% की फी कटेगी, बहुत कम होगी। तो मैं यहाँ पर अर्जेंट लेने वाला हूँ, तो मैंने अर्जेंट पे क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर वो अमाउंट कह रहे हैं जी, ठीक हो, मेरे पास 444 रुपये थे तो मैं यहाँ पर 444 ही लिख देता हूँ। ठीक होगा जी, उसके बाद ट्रांजेक्शन पिन कह रहा है, ठीक है, यहाँ पर मैं ट्रांजेक्शन पिन लगा देता हूँ, यहाँ पर मेरी जो भी पिन है। ठीक होगा जी, तो मैंने यहाँ पर ट्रांजेक्शन पिन भी लगा दी। उसके बाद आप लोगों ने प्रीव्यू पर क्लिक कर देना। तो प्रीव्यू पर क्लिक करते ही यहाँ पर अब आप लोगों को देख सकते हो, उन्होंने साफ यहाँ पर सब कुछ दे दिया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जी, उन्होंने बताया भाई ये मेरा विड्रॉल अकाउंट है और ये मेरे पैसे हैं, ये अर्जेंट फी है, ये मुझे रिसीव इतने होंगे और ये होल्डिंग टेस्ट है, यानी कि पूरी डिटेल यहाँ पर उन्होंने दे दिया। उसके बाद नीचे करने के बाद यहाँ पर आपने आई एम नॉट अ रॉबर्ट वाला कैप्चा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आपने अभी इसको फिल कर लेना है। उसके बाद आपने कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो कन्फर्म पर क्लिक करते ही आप लोगों की रिक्वेस्ट लग जाएगी। अब ऊपर आप लोग देख सकते हो 444 रुपये विड्रॉल रिक्वेस्ट योर अकाउंट जैज कैश, ठीक है, यू विल रिसीव अमाउंट विद इन 30 मिनट्स, यानी कि 30 मिनट के अंदर अंदर मुझे मेरा विड्रॉ जैज कैश में इजीली मिल जाएगा बिना ज़्यादा वेट किए। ठीक हो गया जी, तो ये था बिटकॉइन को बिटकॉइन के पैसों को जैज कैश मिलने का तरीका। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाजमी से लाइक कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है मेरी इस वीडियो पे। और इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करो अगर आप बिल्कुल फ्री में बिटकॉइन अर्न करना चाहती हो। ठीक हो जी, और भी मजीद ऑनलाइन अर्निंग करना चाहती हो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।